हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ सारिका। और आज हम देखेंगे क्लास 7 का प्रैक्टिस सेट 5। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस सेट 5। कंस्ट्रक्ट ट्रायंगल ऑफ द मेजर गिवन बिलो। तो जो मेजर दिए गए उसके हिसाब से ट्रायंगल ड्रॉ करना है। अब यहाँ पे देखो, फर्स्ट है इन ट्रायंगल एम ए एन। एंगल एम ए एन 90 डिग्री, लेंथ ए एन 8 सेंटीमीटर एंड लेंथ एम एन 10 सेंटीमीटर यहाँ पे दिया है। तो देखो, यहाँ पे सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, एक रफ फिगर हम बनाते हैं। देखो, यहाँ पे मैं बनाती हूँ एक रफ फिगर। ये हो गई हमारी रफ फिगर। ओके, अब यहाँ पे ए कितना है, तो 90 डिग्री है ना। तो हम कैसे लिखते हैं, ये ऐसा लिखते हैं 90 डिग्री। ओके, अब ए एन कितना है, तो ए एन है 8 सेंटीमीटर। और अभी एम एन कितना है, ये हो गया यहाँ पे एम और ये एन। एम एन कितना है, तो 10 सेंटीमीटर है ना। तो चलो अब हम ड्रॉ कर लेते हैं। अब यहाँ पे सबसे पहले हम बेस कितना है 8 सेंटीमीटर का, तो सबसे पहले हम बेस निकाल लेते हैं। ओके, तो देखो यहाँ पे मैं बेस निकालती हूँ 8 सेंटीमीटर का। देखो ये स्केल से, ओके ये देखो, यहां से लेकर ये 8 सेंटीमीटर का। ओके, अब ए कितना है, 90 डिग्री का है। तो देखो अभी यहां पे मैं रखती हूँ, अब देखो 10 20 30 40, यहाँ पे देखो 90 डिग्री यहां पे लेंगे। ओके, और ये ज्वाइन करेंगे। देखो है ना। अब देखो, अब इसमें एम एन कितना है, अब एम एन जो है हमारा तो 10 सेंटीमीटर। अब हम क्या करेंगे, राउंडर में 10 सेंटीमीटर का डिस्टेंस लेंगे। देखो यहां पे, देखो ये राउंडर से यहां से लेकर ये 10 सेंटीमीटर ठहरो। देखो ये हो गया हमारा 10 सेंटीमीटर का डिस्टेंस। अब यहां पे देखो, यहां पे रख के हम यहां पे क्या करेंगे, एक आर्क खींचेंगे। ओके, अब यहां से एक लाइन खींच देते हैं, यहां से लेकर यहां तक। देखो, तो देखो अभी ये हो गया हमारा, ये ए कितना है, तो 90 डिग्री है ना। और ए एन हमारा कितना था, 8 सेंटीमीटर। और ये एम कितना है, ये 10 सेंटीमीटर। ओके, तो ये देखो, ये हमारा यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। अभी नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट इसमें क्या दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द राइट एंगल ट्रायंगल एस टी यू हाइपोटिनियस एस यू 5 सेंटीमीटर एंड लेंथ एस टी 4 सेंटीमीटर। ओके, तो सबसे पहले यहाँ पे देखो, हम एक राइट एंगल ट्रायंगल निकालते हैं। ओके, तो यहाँ पे देखो, सबसे पहले मैं यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, एक रफ डायग्राम में यहाँ पे निकालती हूँ साइड में। ये राइट एंगल ट्रायंगल है ना। ओके, ये हो गई हमारी रफ डायग्राम। ओके, तो यहाँ पे हाइपोटेनियस मतलब देखो, अब ये कितना हो गया, ये हो गया हमारा यहाँ पे 90 डिग्री है ना। और उसके सामने वाला का है हाइपोटेनियस हो जाएगा, मतलब ये कितना आएगा, 5 सेंटीमीटर। ओके, और इसका नाम है एस यू, एस यू। ओके, और नेक्स्ट कितना है, एस और टी है ना। एस टी हमारा कितना है, 4 सेंटीमीटर। ओके, तो अब चलो, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हम बेस ड्रॉ करते हैं। बेस कितना है हमारा अब यहाँ पे, तो 4 सेंटीमीटर है। ये देखो, ये हमारा हो गया बेस। वेट, सॉरी,
एक मिनट, यस यहाँ पे ये हो गया हमारा 4 सेंटीमीटर का बेस। फिर देखेंगे हम एंगल बनाएंगे, एंगल कितने का है तो 90 डिग्री का है, तो देखेंगे यहाँ पे हम रखते हैं और यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं, 20 20 30 40, यहाँ पे देखो ये 90 आ गया हमारा, है ना। तो देखो यहाँ पे हम लाइन खींच लेते हैं, ओके। अब यहाँ पे देखिए अभी नेक्स्ट कितना है, 5 सेंटीमीटर, तो अब हमें राउंडर में 5 सेंटीमीटर का डिस्टेंस लेते हैं। अब हम ये देखो यहाँ पे 5 सेंटीमीटर का डिस्टेंस लेते हैं, ओके। और अब यहाँ पे रख के एक हम आर्क यहाँ पे लगाएंगे, इस पॉइंट पे रख के यहाँ पे एक आर्क लगाएंगे, ओके। अब देखो इसे ज्वाइन कर देते हैं, ये देखो ये हुआ ज्वाइन। अब ये कितना है, 90 डिग्री, है ना। ये क्या है हमारा टी, है ना। अब टीएस कितना है, ये है 4 सेंटीमीटर, और ये कितना है यूएस, ये है हमारा 5 सेंटीमीटर, ओके। ये हमारा हो गया, ओके। अभी नेक्स्ट देखेंगे, ये सेकंड क्वेश्चन हो गया, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्रायंगल एबीसी, लेंथ एसी 7.5 सेंटीमीटर है, ट्रायंगल एबीसी, एंगल एबीसी 90 डिग्री है और लेंथ बीसी कितना है 5.5 सेंटीमीटर, ओके। तो यहाँ पे सबसे पहले हम यहाँ पे भी क्या करेंगे, एक रफ डायग्राम में यहाँ पे सबसे पहले ड्रॉ कर लेती हूँ। अब यहाँ पे देखो ये मैंने हमारी रफ डायग्राम जो है वो यहाँ पे ड्रॉ कर ली है, ओके। तो चलिए, तो सबसे पहले ये कितना है, तो देखो ये हमारा जो है ये एंगल हो गया 90 डिग्री का, है ना। ये कितना है बी वाला, है ना। अब देखो बी सी कितना है, तो 5.5 सेंटीमीटर है, और ये ए सी कितना है, तो 7.5 सेंटीमीटर, है ना। तो चलिए अब हम हमारा यहाँ पे सबसे पहले बेस निकालते हैं 5.5 सेंटीमीटर का, ओके। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले यहां से लेके ये 5 हो गए, इसके सामने आ गया अभी और 5, है ना, इसको बोलते 5.5, ओके। अब कितना है, तो 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री यहाँ पे देखो कहाँ पे आता है, अभी हम देखेंगे, देखो तो यहाँ पे आता है, ओके। ये 90 डिग्री का हमने एंगल यहाँ पे निकाला है, 90 डिग्री देखो यहाँ पे आता है, है ना। अब इसको क्या करेंगे हम, अभी हमारा कितना डिस्टेंस है, तो 7.5। अब राउंडर की हेल्प से हम ये आर्क निकालेंगे, इसमें डिस्टेंस लेंगे 7.5 का, देखो, है ना। अब इस पॉइंट पे रखेंगे और यहाँ पे एक आर्क निकालेंगे, इस पॉइंट पे रखें, यहाँ पे एक आर्क निकालेंगे, ओके। और फिर इसे क्या कर देंगे, इसे हम फिर ज्वाइन कर देंगे, ओके। तो ये हो गया हमारा ट्रायंगल ए बी सी, बी कितना है 90 डिग्री का, है ना, बी सी कितना है 5.5 सेंटीमीटर का, और ए सी कितना है हमारा, ये ए और सी, ये है 7.5 सेंटीमीटर, ओके। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, इन ट्रायंगल पी क्यू आर, लेंथ पी क्यू 4.5 सेंटीमीटर है, लेंथ पी आर 11.7 सेंटीमीटर एंड एंगल पी क्यू आर 90 डिग्री। तो पहले सबसे पहले हम पहले की तरह सबसे पहले क्या निकालेंगे, एक रफ फिगर में यहाँ पे बनाती हूँ, ओके। तो ये भी कितना है हमारा 90 डिग्री का ही है ना,
तो ये क्या हो गया हमारा, ये एंगल हो गया है ना, तो यहाँ पे क्या क्यू है ना, तो क्यू कितना हो गया 90 डिग्री का हो गया। ओके अब यहाँ पे हम हमारा यहाँ पे पी आएगा, क्यू बी कितना है 4.5 सेंटीमीटर और पी आर कितना है 11.7 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या निकालेंगे, बेस खींचते हैं 4.5 सेंटीमीटर का। ओके ये हमारा फोर्थ क्वेश्चन है 4.5। देखिए यहां से लेकर ये 4 हो गया, ये आगे 5। ओके ये हमारा हो गया बेस। अभी क्यू कितना है 90 डिग्री का है, तो यहाँ पे हम एंगल निकालेंगे। ओके देखो यहाँ पे ये देखो अभी ये ज्वाइन कर लेंगे। ओके अब पी आर कितना है तो 11.7, तो उसी तरह राउंडर की हेल्प से हम 11.7 ये देखिए यहाँ पे ये हो गया 11। इसको थोड़ा 0.5 11 पॉइंट ये हो गया हमारा 7। तो देखो अब यहाँ पे हम रख के यहाँ पे क्या निकालेंगे, एक आर्क निकालेंगे, यहाँ पे रख के एक आर्क यहाँ पे निकालेंगे। अब देखो ये थोड़ा ज्यादा ही ऊपर हो गया है ना, अब ये इसमें गया है। देखो अब ये लाइन क्या करेंगे, हम ऊपर तक ले जाएंगे है ना। अब ये जो मिला है हमको, तो इसको हम क्या करेंगे यहाँ पे ज्वाइन कर देंगे है ना। तो देखो यहाँ पे हमारा क्या बन गया, पी क्यू आर है ना। क्यू कितना है तो 90 डिग्री है, क्यू पी कितना है 4.5 और ये आर, ये हमारा फोर्थ जो है वो 3 में थोड़ा चला गया है ना, ये आर ये कितना है 11.7 सेंटीमीटर। ओके अभी नेक्स्ट हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5 क्या है। स्टूडेंट्स विल टेक एग्जांपल्स ऑफ देयर ओन एंड प्रैक्टिस कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्रायंगल्स, मतलब आपको यहाँ पे खुद से यहाँ पे लेंथ लेना है, खुद से ही एंगल लेना है और यहाँ पे क्या करना है, ट्रायंगल ड्रॉ करना है। तो यहाँ पे देखो हमारा ये प्रैक्टिस सेट 5 जो होता है फिनिश होता है। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।